5 o'clock and we are in Hubli. Excuse me. It's 5:30 और ट्रेन हुबली में पहुंच चुका है. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. मेरे को लगा था थोड़ा लेट हो जाएगा बट पूरा टाइम पे पहुंचा है. अब 9 बजे तक हम लोग को इधर रुकने का है क्योंकि यहाँ से बस को डगाम आगा ट्रेन हम लोग को लेना है. Handsome boy. Wow, क्या लड़का है. Very handsome boy. Hey guys, welcome to Hubli. Good trip. भैया कॉफी है. अभी फिलहाल मैं हूँ बाली स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे. जैसे मैंने आपको बताया था अपन निकले थे कल 3 बजे शाम को, तो अभी अपन यहाँ पे पहुँचे 5 बजे को. 14 घंटे का सफ़र करने के बाद अपन पहुँच गए अभी हुबली. वैसे 9 बजे को अपना ट्रेन है टू वास्को डी गामा. और रेलवे स्टेशन के अंदर कॉफ़ी भी नहीं मिल रहा था और इधर ठंड है. जैसे ही कहने के कल के वीडियो में पसीना पसीना हो गया था और बोल रहा था कि बहुत गर्मी है और इधर बहुत ठंड है. देखो तो जैकेट वैकेट पहन के बैठा हूँ फिर भी अभी ठंड लग रही है मेरे को. आपको जाना है अंजुना बीच. हॉस्टल एक बुक करना पड़ेगा एक बेड में 200 रुपये करके. इफ़ यू गिव एक्स्ट्रा 70 रुपीज़ दे विल प्रोवाइड यू ब्रेकफास्ट ऑल्सो. अच्छा अच्छा खासा बड़ा सिटी लग रहा है अंदर से. तो स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है. बस एक कमी है स्टेशन में, वो जो है कॉफ़ी नहीं. ऊपर से इतनी ठंड है. अभी चेन्नई पे फिलहाल अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा गर्म हो रहा होगा. आफ्टर टेन ईयर्स आई केम आउट. तो अभी मेरे को बहुत सालों के बाद ठंड जो है वो महसूस हो रही है. सो इट्स ग्रेट फीलिंग्स यू नो. घर से जब निकल के आया तो उसके बाद से ठंड अभी पहली बार महसूस हो रही है. आई लव इट. आई जस्ट लव इट मैन. बहुत दूर आ गया मैं स्टेशन से जस्ट बिकॉज ऑफ कॉफ़ी. मेरे को बहुत ठंड लग रही थी यार वहाँ पे. अंदर में चाय तो मिल रहा था बट कॉफ़ी नहीं मिल रही थी. सो आई केम आउट जस्ट फॉर अ कॉफ़ी. मोक्ष जो है वो अंदर वेटिंग हॉल में वेट कर रहा होगा. लगेज वगैरह का ध्यान रख रहा है लौंडा. अच्छा लड़का है. चलते हैं उसको देखते हैं वो क्या कर रहा है. उसके बाद अपन ब्रेकफास्ट करने चलते हैं. हाँ हिंदी नहीं ठीक है भैया. Cheers, handsome boy. तो दाम बता ब्रो इसका क्या है, कॉस्ट क्या है? ये है 45 रुपीज़. दाम कितना? एक वड़ा, एक सांभर और चटनी सब मिला गया 45 रुपीज़. नीलम फूड प्लाजा करके. हाँ फोटो ले गया क्या? वीडियो हो गया यार. क्या कर रहे है यार तू? मजाक है क्या? चलो हाँ बोल रहा है. जाने तो चलो चाचू चलते गोवा घूम के आते. चलो चलो एक नंबर. कितना है भाई? 8:50 का टाइमिंग था ट्रेन का अराइवल का. और
डिपार्चर का टाइम था 9:00 बट नाउ इट्स ऑलरेडी 9:40, मतलब 40 मिनट गाड़ी लेट है. और डिपार्चर कब होगा पता नहीं, वो तो टाइमिंग अराइवल का 8:50 था और पहुंचा है 9:40 का, जो ऑलमोस्ट एक घंटा लेट है. तो हॉस्टल में भी रात का आज का बुकिंग है, दो बेड बुकिंग है, तो रात को देखते हैं कब पहुँचते हैं, क्या पहुँचता है. अरे बाप रे, 30 रुपया इसका पानी, 20 रुपए पानी का, 20 रुपए ले रुपए में तो यार बहुत कम है, लगता है एक साल में बंगला बना लेगा भाई, बना लेगा वो. पैसा ही पैसा होगा. चिकन बिरयानी गरम गरम खाना भी खाना है. कहाँ से लूँ ना, लौंडा जंक्शन नाम नहीं है. हम लोग का हैंडसम बॉय क्या खेल रहे हैं, लूडो चल रहा है. मेरा घर वर सब लगा हुआ है इस पे, लगा के बैठा हुआ होटल लगा दिया. पा वड़ा पा वड़ा पा होटल ले लेगा ये भाई साहब, आगे का जमीन पीछे का जमीन ऐसा बाथरूम. अशोक ब्रो, तो अभी हम लोग जहाँ पे था वो हुबली से हम लोग कम से कम 100 किलोमीटर 2 घंटा में सफ़र तय करके हम लोग पहुँचा था कैस्टल रॉक स्टेशन, जो कि कर्नाटका का एंड लास्ट स्टेशन है. इसके बाद अपन गोवा में घुसने वाले. सो कीप वॉचिंग. मेरे को भाई मिला, बहुत अच्छा सा भाई मिला है, जो कि गोवा में काम करने जा रहे हैं. घर का प्रॉब्लम है, घर में फैमिली है, सबको देखना पड़ता है. घर में कौन कौन है यार, मम्मी पापा भैया भाई, चार भाई भैया. तुम कितने नंबर है? 3 नंबर. बोले तुमसे एक छोटा है और है. भैया लोग क्या कर रहे हैं? हैंडीकैप है ना. ओ बड़ा भाई हैंडीकैप है, सबसे बड़ा भैया. उसका नेक्स्ट काम कर, उसके बाद तुम बाहर आएगा. भाई भाई को पढ़ा रहे कि नहीं, भाई जो पढ़ रहे कि नहीं छोटा भाई.
एक्सपेक्टेड वे आर लेट, ट्रेन लेट आया था, ट्रेन लेट पहुंच रहा है। इट्स 3 o'clock, ट्रेन को उधर पहुंचना था, इट्स 4 o'clock राइट नाउ। सो अपने को उधर से अंजुना बीच भी जाने का है, तो देखते हैं क्या होता है। एज एक्सपेक्टेड वे आर लेट, यू नो कितना टाइम हो गया ब्रो? 3:47, 3 बजे को वास्को डा गामा पहुंचना था, 3:47। तो उधर से भी अपने को कितना 2 घंटा जाना पड़ेगा यार। हम पहुंचे हैं वास्को डा गामा फाइनली 1 घंटे के बाद।